मेडिकल कॉलेज नागपुर द्वारा अपना प्लैटिनम जुबली वर्ष मना रहा है। इसी उपलक्ष्य में डीन परिषद का आयोजित जीएमसी नागपुर के पूर्व छात्रों द्वारा ऑनलाइन संकल्पना से किया गया। यह परियोजना होप मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च फाउंडेशन के ट्रस्ट नागपुर की है। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान डॉक्टर मुरली बी के द्वारा दी गई है। शुक्रवार से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर अपना प्लैटिनम जुबली वर्ष मना रहा है। डीन परिषद की एक वैश्विक घटना यह जीएमसी नागपुर के पूर्व छात्रों द्वारा ऑनलाइन संकल्पना और आयोजित किया गया है। यह परियोजना होप मेडिकल एसोसिएशन और रिसर्च फाउंडेशन के ट्रस्ट नागपुर द्वारा है। यह होप अस्पताल नागपुर और आयुष्मान नागपुर अस्पताल द्वारा प्रायोजित और समर्थित है। डॉक्टर सुधीर नेरल जीएमसी के पूर्व छात्र नागपुर के सचिव और रामदासपेट में गैलेक्सी डायग्नोस्टिक के मालिक इस कार्यक्रम का समन्वय करेंगे। हम आयोजन की शुरुआत एक असाधारण संगम के साथ कर रहे हैं। पूरे भारत और दुनिया भर के पूर्व छात्रों के साथ एक आभासी बैठक शनिवार 2 अक्टूबर 2021 को जूम प्लेटफॉर्म पर आयोजित की जाएगी। इसे 10 प्लेटफॉर्म यानी विभिन्न फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर पर स्ट्रीम किया जाएगा। वेबसाइट और न्यूज चैनल व्हाट्सएप में शामिल होने के लिए लिंक प्राप्त करने के लिए 9373111709 पर अनुरोध करें। इसमें दुनिया भर के लगभग 3000 पूर्व छात्रों और मित्र शामिल होंगे। ऐसी जानकारी इस दौरान दी गई। देखिए, ये 2 अक्टूबर 6:30 को ऑनलाइन मीटिंग है और ये इवेंट मल्टी स्ट्रीम होने वाला है 12 प्लेटफॉर्म्स में, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स में। इसमें 50 डीन्स जो अलुमिनी हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के, ये अटेंड कर रहे हैं और 50 प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ जो IAS ऑफिसर्स हैं, कुछ पद्मश्री पद्म भूषण अवार्डीज़ हैं, ऐसे 50 पर्सनालिटीज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा 200 इंटरनेशनल अटेंडीज हैं और 3000 अलुमिनी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप लोग ये इवेंट देखिए, इसके लिए क्या व्यवस्था की है? देखिए, इसके लिए हम पब्लिक के लिए लाइव स्ट्रीमिंग के लिंक्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कहीं पे घर पे बैठ के वो लोग ये इवेंट को देख सकते हैं और वो अपने क्वेश्चंस और अपने क्वेरीज भी ये वो पूछ सकते हैं और उसका आंसर वो डेलीगेट्स देंगे। मैं अध्यक्ष हूँ यहाँ पर मार संगठन का। आज 1 अक्टूबर 2021 से आज सुबह 8 बजे से हमने संपूर्ण महाराष्ट्र में एक स्ट्राइक चालू किया है, एक आंदोलन चालू किया है। ये स्ट्राइक जो चालू किया है, इसमें हम लोगों ने इसका स्वरूप ऐसा रखा है कि जो नॉन कोविड वार्ड्स है या फिर जो नॉन इमरजेंसी वार्ड है वहाँ पे वहाँ की रुग्ण सेवाएं हमने बंद की है। वहाँ पे रेसिडेंट डॉक्टर, निवासी डॉक्टर नहीं जा रहे। इमरजेंसी सेवाएं ICU हो गया है, कोविड हो गया है, कोविड की लैब से ये सब वर्किंग है, इसमें कोई पेशेंट का नुकसान नहीं होगा, इसकी भी खबरदारी ली जा रही है। स्ट्राइक करने का मुख्य कारण ये है कि पिछले कई महीनों से सरकार के पास एक 3-4 मांगों के लिए हम लोग फॉलोअप ले रहे हैं, पर एक ओरल एश्योरेंस के अलावा कोई इम्प्लीमेंटेशन उन आश्वासनों का नहीं हुआ है। सबसे पहली हमारी मांग है कि पिछले 1.5 साल से नागपुर, महाराष्ट्र सहित पूरे भारत में जो कोरोना की लहर आई है, जो एक रुग्णों का एक लहर आई है, उसका भार निवासी डॉक्टरों ने अपने कंधों पर संभाला है। इस दौरान उनका कहना था कि हम वर्षों से जीएमसी नागपुर के पूर्व छात्रों के 50 डीन और पूर्व डीन की सराहना करेंगे, जिन्होंने हमें डॉक्टर्स, सर्जन, IAS अधिकारी बनने के लिए मंच और प्रोत्साहन दिया, दशकों से हमारे देश का नेतृत्व किया और सभी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल और उपचार प्रदान किया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।